सब्जेक्ट गो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार सिंह, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट गो। आइए सीखते हैं आज का अध्याय। आज हम जानेंगे कि पीडीएफ फाइल का साइज कम कैसे करते हैं, यानी अगर आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है और उसे कंप्रेस करना चाहते हैं, उसका साइज थोड़ा कम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है पीडीएफ फाइल को कंप्रेस करके उसका साइज आप कम कर सकते हैं। जैसे अगर वो 1 MB का या 10 MB का या 5 MB का है, तो उसे जो है आप 1 MB या KB में कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप पीडीएफ फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे देखिए सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद एक बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो आपको फ्री में मिलते रहे और आप फ्री में देख पाए। तो चलिए सीखते हैं कि हाउ टू कंप्रेस पीडीएफ फाइल इन हिंदी। तो देखिए, किसी भी पीडीएफ फाइल को कंप्रेस करने के लिए सबसे पहले आपको जो है अपने ब्राउज़र में यहाँ पे सर्च करना है, एक वेबसाइट खोलना है। यहाँ पे मैं बताऊँगा कि ऑनलाइन जो है आप पीडीएफ फाइल को आसानी से कंप्रेस तुरंत कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। तो इसके लिए यहाँ पे लिखिए स्मॉल पीडीएफ लिख के और एंटर कीजिए, तो आपके सामने एक वेबसाइट आएगा smallpdf.com। तो इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगा। जब ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाए, तो यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे आपको ये ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे अभी जो है देखिए पहले नंबर पे दिया हुआ है यहाँ पे कंप्रेस पीडीएफ दे रखा है, यहाँ पे कंप्रेस पीडीएफ, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपको जो है फाइल अपलोड करने का ऑप्शन देगा। ये यहाँ से आपको ऑप्शन देगा कि आप जो है गूगल ड्राइव से अपना पीडीएफ फाइल ले सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, या ड्रॉप बॉक्स से, या फिर यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके पीडीएफ फाइल अपलोड करा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करेंगे हम पीडीएफ पे, यहाँ पे करते हैं चूज़ फाइल, और उसके बाद अपने कंप्यूटर में आपने फ़ाइल कहाँ पे रखा है वहाँ पे जाके सेलेक्ट कीजिए। जैसे आपने डॉक्यूमेंट में रखा है तो यहाँ पे ले लीजिए, या किसी ड्राइव में जैसे डी में सी में रखा है तो वहाँ से ले लीजिए। तो मैंने डेस्कटॉप पे रखा है, तो मैं यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा, और डेस्कटॉप पे देखिए ये जो है एक ADCA कोर्स के नाम से ये एक PDF फाइल है। तो इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ओपन कीजिए। ओपन होने के बाद ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, प्रोसेसिंग करेगा। उसके बाद देखिए ये कंप्रेस हो गया। अब कंप्रेस होके कितने का बनाइए, चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि इतने परसेंट जो है ये कंप्रेस कर चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आ गया डाउनलोड फाइल, तो इस पर क्लिक कीजिए तो फाइल जो है डाउनलोड होगा आपके कंप्यूटर में। तो क्लिक करते हैं, अब देखिए फाइल जो है वो डाउनलोड हो रहा है। देखिए डाउनलोड कंप्लीट हो गया। अब इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं विंडो को, और उसके बाद चलते हैं अपने कंप्यूटर में, देखते हैं कि फ़ाइल कहाँ पर डाउनलोड होके आया है। तो आपके कंप्यूटर में ये कंप्यूटर का आइकन होगा अंदर जाने के लिए, इसमें ड्राइव में जहाँ आप जाते हैं। अगर ये आइकन नहीं है तो आप अपने कीबोर्ड में विंडो बटन के साथ ई दबाइए, तो ये जो है खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड में जाइए, देखिए यहाँ पे डाउनलोड में क्लिक करिए। जब आप डाउनलोड में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये फाइल आ गया ADCA कंप्रेसेस, ठीक है, ये कंप्रेस किया हुआ फाइल है। तो चलिए इस पर राइट क्लिक करके और इसका प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं यहाँ पे नीचे, और देखते हैं कितने KB का है। तो देखिए ये जो है यहाँ पे टोटल जो है इतने KB का आ रहा है, ये जो है यहाँ पे 4.42 KB का दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्लोज करते हैं और इसे साइड में कर देते हैं। ये ओरिजिनल जो फाइल था उसका साइज़ देखते हैं कितना था, राइट क्लिक करके और प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, और ये देखिए यहाँ पे कितने KB का था, 5। तो 5 से जो वहाँ पे 4 पॉइंट कुछ जो है बना दिया। तो ये जो है काफ़ी हद तक जो है आपके PDF फाइल का साइज़ जो है ये कम कर देता है। आज हमने सीखा कि PDF फाइल का साइज़ हम आसानी से कैसे कम कर सकते हैं, यानी कि किसी भी PDF फाइल को कंप्रेस कैसे कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है इस वीडियो से संबंधित और आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो subjectgo.in वेबसाइट पे आप जो है मुझसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि subjectgo.in वेबसाइट कैसे इस्तेमाल करें और वहाँ पे सवाल अपना कैसे पूछे, तो इसके लिए जो है subjectgo का वीडियो पहले से बना हुआ है, वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और देखते रहिए subjectgo और सीखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू। subjectgo के इसी तरह से आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने और सीखने के लिए, अगर अभी तक आपने subjectgo चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके subjectgo चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए और आप देख पाएँ। और देखते रहिए subjectgo और सीखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।